हेलो एवरीवन, दिस इज स्मिता। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए जो वेडिंग प्लान कर रहे हैं अपने घर की, या जो वेडिंग प्लानर्स हैं उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। इंडियन वेडिंग इट इज़ नॉट लेस देन एनी फेस्टिवल, उससे कहीं ज़्यादा ही होता है। वेडिंग सिर्फ एक दिन का या सिर्फ एक वेडिंग सेरेमनी नहीं होती है। देयर आर सो मैनी रिचुअल्स, देयर आर सो मैनी सेरेमनीज अटैच टू इट। उसमें बहुत सारी प्री वेडिंग सेरेमनीज होती हैं और ग्रूम साइड के यहाँ कुछ पोस्ट वेडिंग सेरेमनीज भी होती हैं। तो जिसकी तैयारी करने के लिए हमको जितना भी टाइम मिल जाए उतना कम होता है। हम ऐसी जगह तो जहाँ एक एक साल पहले भी अगर वेडिंग फिक्स हो गई है तो पता लगा पूरा साल ही उस वेडिंग की तैयारी में निकल रहा है कि हमें क्या क्या इवेंट्स रखने हैं, क्या क्या सेरेमनीज ज़रूरी हैं। तो आज इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ इट्स अबाउट इंडियन वेडिंग सेरेमनीज। मैंने जो इसमें आज लिया है वो बहुत कॉमन सी सेरेमनीज हैं जो मोस्टली हर कम्युनिटी में या हर कास्ट में, हर कल्चर में होती हैं। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। लास्ट तक देखिएगा और जो जो इम्पॉर्टेंट सेरेमनीज मैंने इसमें मिस करी हैं अगर आप लोग वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आगे अपने वीडियोस में वो भी डिस्कस। फर्स्ट इज रोका सेरेमनी। रोका सेरेमनी इज़ द वेरी फर्स्ट सेरेमनी कि जब वेडिंग फिक्स होती है तो हम लोग रोका सेरेमनी करते हैं, जिसमें कि एक सिर्फ वो शगुन होता है कि हाँ, ब्राइड साइड ने कुछ ग्रूम को, ग्रूम साइड ने कुछ ब्राइड को शगुन पे कुछ कैश दिया या कुछ गिफ्ट दिया या ज्वेलरी दी। का जैसा कि नाम से पता लग रहा है, वी हैव स्टॉप द थिंग्स, वी हैव ब्लॉक द थिंग्स। नेक्स्ट इज तिलक सेरेमनी। तिलक सेरेमनी में जो ब्राइड साइड के मेल मेंबर्स होते हैं, स्पेशली फादर, ब्रदर, वो लोग ग्रूम का तिलक करने के लिए ग्रूम के घर पर जाते हैं या जहाँ भी वो प्लान करते हैं वहाँ पे वो लोग जाकर और ग्रूम का तिलक करते हैं। तो ज़्यादातर जगह जो होता है इस सेरेमनी में जो ब्राइड का ब्रदर होता है वो ग्रूम के तिलक करता है। फिर वो लोग आपस में कई जगह गार्लैंड एक्सचेंज करते हैं, पान वान खिलाते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो वो तिलक सेरेमनी होती है। फिर गोद भराई। गोद भराई एक सेरेमनी है जिसमें ग्रूम साइड की लेडीज़ ब्राइड की गोद भरती हैं। गोद भरती हैं किससे? विद गिफ्ट्स, और जितना भी उसको ब्राइड का श्रृंगार करना, उसको सजाना, फिर उसको गिफ्ट्स देना, जितनी भी ग्रूम साइड की लेडीज़ होती हैं वो एक एक करके ब्राइड को आकर उसकी गोदी में गिफ्ट्स देती हैं, उसका जो भी थोड़ा बहुत श्रृंगार करना है वो करती हैं। तो बेसिकली जो रिचुअल्स ये सेरेमनीज जो बनाई गई हुई हैं उसमें लेना देना आपस में बराबर का ही हो जाता है। बट हाँ, कई जगह जो आपके गेस्ट भी आएंगे ना वो भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे देखने के लिए कि हाँ उधर से क्या आया है या कि किसके लिए क्या क्या गिफ्ट आए हैं। तो हम लोग गोद भराई और तिलक सेरेमनी में बहुत बार टेबल्स लगाते हैं गिफ्ट्स डिस्प्ले करने के लिए, जिससे कि बाकी सारे लोग भी देख सकें कि हाँ हमारे यहाँ ब्राइड साइड से क्या आया है या ग्रूम साइड से क्या आया है। इसके बाद संगीत। संगीत मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आजकल सबको पता है संगीत के बारे में। बट ये संगीत को हम लेडीज संगीत बोलते हैं। ट्रेडिशनली तो ये ब्राइड साइड में शादी से पहले हो जाता है, क्योंकि ब्राइड फिर उसके बाद चली जाती है, और ग्रूम साइड में शादी के बाद होता है, जिसे हम बोलते हैं मुंह दिखाई बुलावा भी बोलते हैं। तो संगीत, लेडीज संगीत और बुलावा, इस सब का अब जो फॉर्म हो गया है वो संगीत नाइट हो गया है, म्यूजिकल इवनिंग हो गया है, जो कि आजकल सब लोग म्यूचुअली भी करने लगे हैं और बहुत धूम धड़ाके के साथ करते हैं। और जितने भी गेस्ट हैं या रिलेटिव्स हैं, कजिन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको इसका बहुत इंतज़ार रहता है। बहुत दिन पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। कोरियोग्राफर, एंकरिंग, स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें चल गई हैं। मेहंदी सेरेमनी। मेहंदी सेरेमनी भी ब्राइड साइड की अलग, ग्रूम साइड की, ग्रूम साइड के घर में ऐसे होती है। ब्राइड की मेहंदी इम्पॉर्टेंट होता है एक दो दिन पहले लगना वेडिंग से, जिससे कि उसमें कलर आ जाए। जैसे सपोज परसों वेडिंग है तो आज मेहंदी लगना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हल्दी सेरेमनी। हल्दी सेरेमनी, तेलबान सेरेमनी, इसमें हल्दी सेरेमनी बेसिकली होता क्या है कि उसमें आपका शादी वाले दिन मॉर्निंग में या कई जगह दो तीन दिन पहले से भी स्टार्ट हो जाता है। जो भी ब्राइड के दोनों साइड होता है, ग्रूम साइड भी होता है, ब्राइड साइड भी होता है, जो भी भाभी लोग होती हैं, कजिन्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो हल्दी लगाते हैं, तेल लगाते हैं। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस हल्दी सेरेमनी या तेलबान सेरेमनी इज़ फॉर क्लीनलीनेस। ये भी मानते हैं कि हल्दी बहुत शुभ होती है, हल्दी लगाने से किसी भी चीज, बुरी चीज़ों का साया होता है वो ख़त्म हो जाता है और बहुत अच्छी अच्छी वाइब्स आ जाती हैं। आजकल जहाँ नहीं भी होती है वो भी हल्दी सेरेमनी कर रहे हैं, बहुत एंजॉय करते हैं लोग हल्दी सेरेमनी में। एक फन, क्योंकि सारी सेरेमनीज तो बहुत फॉर्मल सी होती हैं कि इसमें ये रिचुअल्स होने ही हैं। हल्दी सेरेमनी एक आपका मतलब इट्स टोटली फन, कि उसमें आप बहुत एंजॉय कर सकते हो। आप खूब डांस करिए, आप पूल साइड कर रहे हैं तो उसमें आप पूल में डिप भी ले सकते हैं हल्दी के बाद, और सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं इसमें। तो ये तो आपका मेहंदी, हल्दी और तेल बान होती हैं। ट्रेडिशनली ये अलग अलग होती हैं, अपने अपने घर में होती हैं, बट क्योंकि फिर अगेन आजकल वही सब रेजिडेंशियल और डेस्टिनेशन वेडिंग चल गई है, जब 2 दिन 3 दिन वहाँ सबको एक साथ स्टे करना ही है, तो फिर यही होता है कि सारे सेरेमनीज क्यों ना म्यूचुअली ही प्लान कर ले, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा मस्ती होती है। बात एक बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनी है, स्पेशली पंजाबियों में होती है, चूड़ा सेरेमनीज और कलीरा सेरेमनीज। एंड इन पंजाबीज चूड़ा सेरेमनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो भी मैटरनल अंकल आंटी होते हैं, माँ मामी होते हैं, वो चूड़ा लेके आते हैं ब्राइड के लिए। चूड़ा इज द सेट ऑफ बैंगल्स, रेड और वाइट बैंगल का सेट होता है, तो वो उनको प्यूरीफाई करके दूध में, पेटल्स में, मिल्क और पेटल्स के साथ प्यूरीफाई करके फिर ब्राइड को पहनाते हैं। और ये माना जाता है कि ब्राइड को वो चूड़ा नहीं देखना होता है टिल हर वेडिंग। वैसे उसको वाइट क्लॉथ से कवर किया जाता है, बट आजकल बहुत फैंसी कवर्स आने लगे हैं, तो उससे चूड़े को कवर कर दिया जाता है जिससे कि वो ब्राइड ना देख सके। उसके बाद कलीरा, कलीरा भी कलीरे बहुत सुंदर गोल्डन कलर के होते हैं, गोल्डन सिल्वर दोनों कलर के आते हैं, तो कलीरा भी चूड़े के साथ बांधा जाता है। एंड कलीरा सेरेमनी इट्स ऑल्सो फुल ऑफ फन। इसमें ब्राइड के कजिन्स एक लाइन से बैठते हैं और ये तो जिसके ऊपर भी वो कलीरा गिरता है, माना जाता है कि उसकी शादी अब घर में सबसे पहले होगी, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। सारे कजिन्स, सारे फ्रेंड्स, सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। आपके अगर वो सेरेमनी नहीं भी होती है तो भी आप अपने लहंगे के साथ चूड़ा या कलीरा परचेज कर सकते हैं। कलीरे तो आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, डेकोरेशंस में भी बहुत चलता है, फूलों की चादर में भी हैंग कर देते हैं क्योंकि वो देखने में बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। भाट सेरेमनी होती है, उसके लिए शादी फिक्स होने के बाद और शादी होने से पहले किसी भी टाइम पेरेंट्स जाते हैं और मामा लोग को इनवाइट करके आते हैं। इसमें मामा लोग आते हैं और जितने भी आपके इधर साइड के लोग होते हैं ना, फादर साइड के लोग, उनका रेस्पेक्ट करते हैं, उनका तिलक करते हैं। और इसमें ये सेरेमनी भी मोस्टली सब जगह होती है, कहीं इसको भात बोलते हैं, तो राजस्थानियों में, मालवाड़ियों में इसको मायरा बोलते हैं, और वो बहुत धूमधाम से करते हैं मायरा को। उसमें वो जो मामा लोग आ रहे होते हैं उनका वेलकम जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से करते हैं, ढोल वोल लेके, और मामा लोगों को बहुत शोर शराबे के साथ बहुत शान से लाया जाता है, उनके वेलकम की बहुत तैयारी भी करी जाती है। कुछ कुछ सेरेमनीज होती हैं बारात से पहले, कई जगह होती हैं वो। कहीं पे होता है कि पहले जो ब्राइड साइड के लोग होते हैं वो जाते हैं ग्रूम साइड की तरफ, उनको इनवाइट करते हैं, पंडित जी वगैरह लेके जाते हैं, तो वहाँ पे उनका रेस्पेक्ट किया जाता है, उनको चाय नाश्ता वगैरह कराया जाता है, फिर वो वापस आ जाते हैं, फिर ग्रूम साइड के लोग बारात लेके आते हैं। कई जगह एक घुड़चढ़ी सेरेमनी होती है, ये बहुत सारी जगह होती है। उसमें क्या होता है, जब ग्रुप जा रहा होता है बारात लेके, उससे पहले उसका तिलक सारे लोग करते हैं, घर के सारे लोग उसका तिलक करते हैं। सेरेमनी के बाद ये होता है कि अब जब ग्रूम वापस आएगा तो ब्राइड को लेकर ही आएगा, उससे पहले वो घर पर नहीं आता है। उसके बाद फिर मेन जो प्रोसेशन होता है वो सबको पता है, उसमें सब लोग डांस करते हुए जा रहे हैं, घोड़ी पे ग्रूम जा रहा है या बग्गी पे जा रहा है। फिर जब आप पहुंचते हैं वेन्यू पे जहाँ पे वेडिंग है, जहाँ पे ब्राइड साइड के लोग ग्रूम का वेट कर रहे हैं, वहाँ पर एक सेरेमनी जिसको द्वारचार बोलते हैं वो होती है। वहाँ पे ग्रूम का तिलक करा जाता है, जो भी ब्राइड साइड के बड़े लोग होते हैं वो उसका तिलक करते हैं। बाकी जो बाराती आते हैं उनका अलग अलग तरह से लोग वेलकम करते हैं, कोई उनको गार्लैंड्स पहनाता है, कोई उनके लिए कुछ शॉल या कुछ माला, कुछ गिफ्ट्स ऐसे मार्केट से लेके रखते हैं। वेडिंग्स तो सभी ने देख रखी हैं, सभी ने ऑर्गेनाइज कर रखी हैं, तो फिर वही आपका होता है। फिर ग्रूम एंट्री हो गई, फिर ब्राइड एंट्री हुई, फिर वरमाला हुई, इसमें बहुत सारी चीज़ें चलने लगी हैं, वो आप और वीडियोस में देख सकते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स ले सकते हैं, क्या क्या एंट्री थीम्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मंडप पे। मंडप वेदी जो होती है उसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बाद ही आपकी वेडिंग कंप्लीट मानी जाती है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें 7 फेरे, वचन, सप्पदी बोलते हैं बहुत जगह उसको, कन्यादान, जूता चुराई, मांग भराई, भाभी बिछिए भी दबाती हैं, बहुत जगह पैर पूजे जाते हैं। मतलब जिस किसी भी पंडित को ले रहे हैं, जिस किसी को भी हायर कर रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएगा कि हाँ किस सीक्वेंस में और क्या क्या सेरेमनीज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है करना। फिर ये सारी सेरेमनीज कंप्लीट हो गई, मीन्स वेडिंग कंप्लीट हो गई। अब आपका टाइम आया विदाई का। विदाई इट्स अ इमोशनल इवेंट, सारे लोग, जो ब्राइड है वो विदा होके जा रही है ग्रूम के साथ। जब ग्रूम के साथ जाती है फिर वो ससुराल जब पहुँचती है, अपने इन लॉज के यहाँ पहुँचती है, तो फिर वहाँ पे कुछ कुछ रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पे सबसे पहला होता है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश से पहले कई जगह होता है कि जो ग्रूम की सिस्टर्स होती हैं वो एक द्वार रोका सेरेमनी होती है, उसमें द्वार रोक के खड़ी हो जाती हैं ग्रूम का, अपने भाभी का, फिर कुछ वो नेक एक गिफ्ट वगैरह ग्रूम को देना पड़ता है, उसके बाद ही वो उनको जाने देती है। कहीं होता है कहीं नहीं भी होता है। फिर इसके बाद जो गृह प्रवेश होता है वो सब जगह होता है। इसमें ब्राइड का वेलकम होता है अपने घर में, इसमें चावल से भरा कलश रखते हैं गेट पे द्वार पे, तो वो ब्राइड अपने राइट लेग से उसको पुश करती है टो से, फिर वो घर के अंदर जाती है। तो ये गृह प्रवेश सेरेमनी होती है। इसमें फिर आपके घर में ब्राइड आ रही है तो आप किस तरह से वेलकम करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको डेकोर करा रहे हो, आप उनको पेटल्स का पैसेज बना रहे हो, वो उसमें भी आप बहुत कुछ आइडियाज़ ला सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। और अभी रिचुअल्स यहीं पर ख़त्म नहीं होते हैं, अभी बहुत सारे पोस्ट वेडिंग रिचुअल होते हैं जो कि ग्रूम के घर पे होते हैं, क्योंकि नई बहू आई होती है। शादी से पहले दोनों लोगों के घर में पंडित जी या फूफा जी लोग कंगना बांधते हैं, उसमें बहुत सारी गांठ बांधते हैं, बहुत सारी नॉट बांधते हैं। फिर शादी के बाद जो पोस्ट वेडिंग रिचुअल्स हैं उसका एक ये भी पार्ट है कंगना खुलाई की रस्म। उसमें फिर आप लोग को एक दूसरे का वो कंगना या गांठें खोलनी पड़ती होती हैं उसमें। और उसमें एक बहुत नाइंसाफ़ी है कि जो ग्रूम होता है वो एक हाथ से ही खोल सकता है और जो ब्राइड है वो दोनों हाथ यूज़ कर सकती है खोलने के लिए कंगना। तो ये एक बहुत फन फील्ड रिचुअल है, इसमें फन फील्ड सेरेमनी, इसमें बहुत मज़ा आता है, सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं कि कौन पहले खोल रहा है, किस पे ज़्यादा पेशेंस है। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं इसमें और इसमें भी बहुत मज़ा आता है। उसके बाद कुछ कुछ और चीज़ें होती हैं, ऐसे परात में रिंग डालते हैं कि कौन पहले रिंग पकड़ ले। एक पगफेरा सेरेमनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जब ब्राइड विदा होके आ गई है घर पे फिर उसके भाई लोग आते हैं, उसको लेकर जाते हैं मायके में, जो फर्स्ट टाइम लेके जाते हैं। फिर जब ग्रूम जाता है तो उसको विदा करा के फिर वापस लेके आता है। तो ये मतलब एक बार होता है कि पैर फेरने जाना है मायके में। इस सेरेमनी की इम्पोर्टेंस ये है कि इसको ऐसा माना जाता है कि क्योंकि जो लड़की है वो लक्ष्मी का रूप है, वो दोबारा अपने घर जाती है इसलिए कि वहाँ पर जितना सारा वहाँ की प्रॉस्पेरिटी वगैरह ऐसे ही बनी रहे। तो इसलिए ये माना जाता है कि एक बार वो पग फेरने घर जाती है और फिर वहाँ पे जब ग्रूम उसको लेने के लिए जाता है तो उनको बहुत सारा आशीर्वाद, गिफ्ट्स, मिठाई वो दे के फिर उन लोग को विदा किया जाता है। तो ये पगफेरा सेरेमनी है, मोस्टली जगह ये होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिसके यहाँ जो सेरेमनीज जो आपको लगता है कि ये मिस नहीं करना चाहिए, ये बताना चाहिए, वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।